उसकी बहनें भी वहां थी, उसकी माँ भी वहां थी, उसका बहनोई उसको पर्दे की पामाली करके, कोई बहन कैसे सोई हुई है, कोई माँ कैसे सोई हुई है, ये नहीं देखते। घर में घुसते हैं और हमारे बंदे ले जाते हैं। ये एक माजिद अब्बासी का केस नहीं है, ये तो अब हम कैदियन के ऊपर राइज हो रहा है, ये हमारी तरफ आ रही है चीजें। लेकिन ये आफ्ताब चांडियों के साथ भी यही हुआ, ये आकिब चांडियों के साथ भी यही हुआ, साबिर चांडियों के साथ भी यही हुआ, नवीद चांडियों के साथ भी यही हुआ। हिदायत लोहार की बेटियों के कपड़े फाड़े जाते हैं, उनकी चीखें इस दुनिया के अंदर गूंज रही है कि हमें इंसाफ दो, हमें अपना अमन दो, हमें अपने भाई दो, हमें अपने बाप दो। लेकिन ये चीखें पता नहीं क्यों उनकी कानों पर नहीं गुजरती, पता नहीं ये खामोश है, पता नहीं इनको ये चीजें करने में मजा आता है। हम स्टूडेंट लोग, हम शागिर्द लोग, हम तुलबा लोग, हम जो सोचने वाले हैं, हम जो बोलने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं, हम अपने कलम से लफ्जों को खूबसूरती बख्शते हैं, वो खूबसूरती ये छीनना चाहते हैं। हम इस खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हैं कि भाई ये सारी स्टेट, ये सारा पाकिस्तान जिसमें सिंध भी आ जाता है, जिसमें बलूचिस्तान भी आ जाता है, जिसमें गिलगित कश्मीर आ जाता है, जिसमें सरायकी बेल्ट आ जाता है, जिसमें पंजाब आ जाता है, ये खूबसूरती है इस स्टेट की। खुदा के वास्ते अगर इंसान हो, आपके सीनों में दिल है, तो इस खूबसूरती को बरकरार रखो, इस खूबसूरती को ख़त्म ना करो। और इन सब खूबसूरती में जो बेहतरीन खूबसूरती है, वो हर मुल्क की, हर कौम की खूबसूरती होते हैं उसके तुलबा और हर शागिर्द उस स्टेट की खूबसूरती होते हैं। इस खूबसूरती को ना ख़त्म करो। आज कायदियन कायद आजम यूनिवर्सिटी एमपीए डिपार्टमेंट का तुलबा माजिद अली अब्बासी गुम किया गया है, हम जो सारे यहाँ पर मौजूद हैं इस हजूम की शक्ल में, हम उसके लिए, बल्कि उसके लिए उसके साथ जो भी मिसिंग पर्सन हैं, बलूचिस्तान में हमारी बहनें बैठी हैं, वो बलोच नहीं है, वो इंसान है। सिंधी लड़कियां रोडों पर चीखती रही हैं, वो सिर्फ सिंधी नहीं है, वो इंसान है। ये केस इंसानों का केस है, हम कहते हैं कि इंसानों की तरह इस केस को आप ट्रीट करें, इस केस को हल करें, वरना खुदा की कसम मैं नहीं कहता, पहले मंजूर पश्तीन सामने आया था, बाद में सनाउल्लाह अमान सामने आया, सोरत लोहार ससुई लोहार सामने आई, तनवीर आरी जो शाजिया चांडियो सिंधु अमान सामने आई। खुदा की कसम हर यूनिवर्सिटी से, हर कॉलेज से, हर स्कूल से इतने चेहरे निकलेंगे, आप किस किस को रोक सकोगे? हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जबर मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जबर का काबा ढाते हैं, आओ हमारे साथ चलो। ये दहशतगर्दी बंद करो। ये जो पहाड़ है ना आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त हम मारगला के खूबसूरत पहलू में खड़े हैं, मारगला के। खुदा की कसम ना, हमारे जो जज्बात है ना, हमारे जज्बात आप में, आप सब जो भी खड़े हैं, मैं इन सब के मजमू की बात इकट्ठा करके अपनी जबान से बोल रहा हूँ, हम मारगला से भी ज्यादा जिंदा हैं, मजबूत हैं, मर सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन अपना किरदार इतना कुशादा बनाएंगे कि खुदा की कसम भगवान करके इंसान हमें पूजेंगे, हमें के रहेंगे आजादी, हमें चीन के लेंगे आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी। किसी कोने में शाह इनायत पैदा होता है, किसी कोने में कार्ल मार्क्स पैदा होता है, किसी कोने में लेनिन पैदा होता है, किसी कोने में बाचा खान और जीएम सैद पैदा होता है। ये सारी ये तजाद है जो मुआशरे में मौजूद है, ये तजाद इस तरह मौजूद है जिस तरह किसी माँ के पेट में बच्चा मौजूद होता है और वो बच्चा जन्म लेता है। ये तजाद है जो सियासी रहनुमा पैदा कर चुका है, आगे भी पैदा होंगे। हम कहते हैं कि हमें तकलीफें ना दें, हमें इतना मजबूर ना करें कि भाई हम किसी और ट्रैक पे चले जाएं, हमें अपने बंदे प्यार से दे दें। जो आपने उठाए हैं, आपने माओं के आंसू, आपने माओं के आंसुओं को खून तले बना दिया है, अपने बहनों, अपने जो बहनें हैं जिन जिनके भाई आपने उठाए हैं, वो बहनें अपने भाइयों का सेहरा सजाने के लिए परेशान हैं। आप करना क्या चाहते हैं? एक तौर होता है आप बता दें, वाजे बता दें कि भाई हम ये करना चाहते हैं, आपके बंदों को उठाकर उनके दिल में ड्रिल मशीन को सुराख करना चाहते हैं, आपके बंदों को अब मशक शुदा बना के हम इस तरह
फेंक देते हैं। ये अगर आपका कानून है, ये अगर आपकी पॉलिसीज हैं, ये अगर आप सोचते हैं, तो हम इनकार करते हैं इस पॉलिसी का। हम आपके सामने आए हैं, आएंगे, लड़ना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं। अब आपको ये चीज दिखाते हैं कि आप हमारी किस चीज को पसंद करते हैं, लड़ने को या पढ़ने को। हम कलम चाहते हैं। किसी सिंधी में अब एंड कर रहा हूँ, किसी सिंधी शायर ने कहा है कि सिर भली कर कलम तो जो संगीन कहिया समझी वयस मुझे सीने में दिल के कढ़न तो घुरी। मां भी सदन का आया कुसन तेहरल को भली ठार दिल मां कुसन तो घुरा। जुल्म जो थे कसम काई नायत न दे चोट दे ही गुजर जे बीहण तो घुरी। सिर भली कर कलम मुखे घुर्जे कलम मां कब्र में वनी भी लिखण तो घुरा। जी सिंध जे लतीफ जी आलम इंसानियत।